Hi, this is Manisha Singh. Welcome back to your own YouTube channel. Friends, I hope you all are doing well and good and exam preparations are also going very well. So, आई हूँ आप सभी के बीच एक और जबरदस्त जॉब के अपडेट को लेके जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है मर्चेंट नेवी की तरफ से न्यू रिक्रूटमेंट 2024 के रिगार्डिंग. देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे. ग्रुप सी की पोस्ट होती है और ये आपका आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत. इसके लिए आपको टोटल वैकेंसी निकल के आई है 2560, यानी 2560 पोस्ट रहेगा टोटल. यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 प्रकार के पद आपको देखने को मिल जाएंगे. तो आगे मैं इसके विषय में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हो इससे रिलेटेड ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देखना, एग्जाम सिलेबस वगैरह इन डिटेल जानना चाहते हो, तो आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे. पीडीएफ अपलोडेड है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना. और हाँ, टेलीग्राम का लिंक ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, तो जाइए और वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए. देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल पोस्ट कितना है, 7 है. पहला है डेक रेटिंग, उसके बाद है इंजन रेटिंग, सी मैन, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर या हेल्पर, मेस बॉय एंड कुक. देखिए, इन सभी पोस्ट के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि एज की लिमिट क्या होगी, क्वालिफिकेशन क्या है, सीट कितना रहेगा और सैलरी क्या है. देखिए, सबसे पहले बात करेंगे डेक रेटिंग के ऊपर. 17.5 से 25 वर्ष इसका उम्र सीमा है और एज जो कैलकुलेट होगा ना आपका, जो लास्ट डेट है फॉर्म का 20 अक्टूबर 2024, उसके अकॉर्डिंग एज का कट ऑफ डेट रहेगा. 17.5 से 25 वर्ष डेक रेटिंग का एज लिमिट है. क्वालिफिकेशन की बात करें तो कोई भी 12th पास, साथ ही साथ अपीयरिंग कैंडिडेट जो इस बार 12th देने वाले हैं, वो सभी अप्लाई कर सकते हैं. 12th में आपका कोई सा भी स्ट्रीम है, आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है, डजंट मैटर परसेंटेज क्या है, बस अप्लाई कर देना आप. और अगर बात करें कि इसके लिए कितना सीट है, तो टोटल सीट 511 यानी 511 रहेगा. सैलरी इस पोस्ट के लिए 50,000 से शुरुआत होगा और बाद में बढ़ा के 85 यानी 85,000 आपका कर दिया जाएगा. सेकेंड जो हमारा पोस्ट है इंजन रेटिंग, इसके लिए 17.5 से 25 वर्ष आपका एज लिमिट है. 10th पास सभी बच्चे अप्लाई करेंगे, जिन्होंने भी 10वीं की परीक्षा पास कर ली है सब अप्लाई कर सकते हैं. इसके लिए आपका सीट रहेगा 711, सबसे ज़्यादा सीट इंजन रेटिंग के लिए है 711. सैलरी इसमें आपको 40,000 से शुरुआत होती है, बाद में बढ़ा के 60,000 कर दिया जाता है. तीसरा हमारा पोस्ट है सीमैन का. 17.5 से 25 वर्ष एज लिमिट है. 10th पास आउट कैंडिडेट अप्लाई करेंगे. 302 यानी 302 सीट रहेगा. सैलरी शुरुआत में 38,000 दी जाती है, बाद में इंक्रीमेंट के बाद योर सैलरी विल बी 55,000 पर मंथ. फोर्थ हमारा पोस्ट है इलेक्ट्रीशियन का. इसके लिए आपका 17.5 से 27 वर्ष यानी कि 17.5 to 27 years रहेगा एज लिमिट. 10th पास होने के साथ साथ आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए. किस ट्रेड से? इलेक्ट्रीशियन के ट्रेड से, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन के पोस्ट के लिए वैकेंसी है ना. इसके लिए पोस्ट 29 है और सैलरी जो आपको इसमें मिलेगा ना 60,000 यानी 60,000 से शुरुआत होता है और 90,000 यानी 90,000 तक आपका सैलरी बाद में बढ़ा के पर महीने 90,000 आपको मिलेगा. फोर्थ है वेल्डर या हेल्पर के लिए. एज लिमिट 17.5 से 27 वर्ष. 10th पास प्लस ITI, जिन्होंने भी 10वीं के साथ किसी भी ट्रेड से ITI कर रखा है वो सभी यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे. सीट आपका 96 रहेगा और सैलरी 50,000 से शुरुआत होती है, बढ़ा के आपका 85,000 यानी 85,000 कर दिया जाता है. अब हम लोग अगले पोस्ट के बारे में बात करेंगे जो कि मेस बॉय का है. जहाँ पे खाना बनता है ना वहाँ पे एक मेस बॉय होता है, तो उसके लिए आपका क्या है 17.5 to 27 years तक आपका एज लिमिट है. 10th पास आउट कैंडिडेट अप्लाई करेंगे. टोटल पोस्ट आपका 304 यानी 304 आपका यहाँ सीट रहेगा. सैलरी की बात करें तो 40,000 शुरुआती दौर में दिया जाएगा, बाद में बढ़ा के 60,000 यानी 60,000 कर दिया जाता है.
लास्ट पोस्ट है आपका कुक का। अब देखिए, अब कहीं पे भी कुछ अगर मेंबर्स है मर्चेंट नेवी के, तो सबको खाना का नीड तो होता है, तो खाना बनाने के लिए कुक रखा जाता है। तो कुक के लिए आपका 17.5 वर्ष से 27 वर्ष, यानी कि एज लिमिट भी अच्छा खासा दिया गया है। 10th पास कोई भी बच्चा जो 10वीं पास कर रखा है अप्लाई कर सकता है। सेकेंड हाईएस्ट जो पोस्ट है आपका कुक की पोस्ट है 607, यानी 607 आपका पोस्ट रहेगा। 40,000 से 60,000 सैलरी मिलता है, मतलब शुरू में आपको 40,000 मिलेगा, बढ़ते 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 सैलरी आपका 60,000 हो जाएगा। तो कुक की पोस्ट के लिए इतनी अच्छी सैलरी आपको यहाँ पे दी जा रही है। मेस बॉय का भी इसमें ना आपको सैलरी बहुत अच्छी खासी प्रोवाइड की जाती है। तो ये था इसके विषय में बेसिक जानकारी। अब हम बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले तो बता दें कि इसके लिए कौन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, ऑल इंडिया के कैंडिडेट, सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और अगर रही बात की गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब है, देखिए ये गवर्नमेंट जॉब नहीं होता है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। सेकेंड चीज इसमें ये होता है ना कि सैलरी, जैसे कि आप अभी बोर्ड पे वॉच कर पा रहे होंगे, अच्छा खासा सैलरी मिलता है। तो मतलब पर्सन अलाउंसेज भी इसमें आपको अच्छे मिलते हैं। बस एक चीज आपको सरकारी जॉब की तरह नहीं होता है, परमानेंट भर्ती है। लेकिन क्या होता है ना कि जैसे आप इंडियन नेवी में है या फिर एयरफोर्स में है, आर्मी में है, तो जब आप छुट्टी लेकर आते हो तो उस ड्यूरेशन में आपको सैलरी प्रोवाइड की जाती है। बट मर्चेंट नेवी में अगर आप जॉब करते हो ना, तो जब आप छुट्टी आते हो उस वक्त आपको कोई सैलरी नहीं दिया जाता। बस इतना सा इसमें फर्क है, बाकी सब कुछ सरकारी जॉब की तरह ही रहेगा। इसके लिए फॉर्म आपका ऑनलाइन अप्लाई होता है, तो ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है 1 सितंबर, यानी 1st of September से लास्ट डेट 20 अक्टूबर, यानी 20 अक्टूबर रहने वाला है। तो 20 अक्टूबर तक इंतजार मत करिए, जल्द से जल्द फॉर्म को अप्लाई करिए। फॉर्म का फी भी हाई नहीं है, बस 100 रुपीज, मतलब सभी कैटेगरी के कैंडिडेट से बस 100 रुपया लिया जाएगा। यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे होंगे एज की लिमिट 17.5 वर्ष से 25 या 27, वो पोस्ट वाइज डिपेंड करता है। कट ऑफ डेट है 20 अक्टूबर, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपका एज कैलकुलेट होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 12th में जो आप पियरिंग कैंडिडेट है वो भी भरेंगे, साथ ही साथ अगर आप फ्रेशर्स हो, कुक की पोस्ट के लिए आपने कभी कुकिंग नहीं किया फिर भी आप यहाँ पर जॉब ज्वाइन कर सकते हो। इलेक्ट्रीशियन के आपने कभी मतलब जॉब नहीं किया, कहीं पे कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी कर सकते हो। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी है कि फ्रेशर्स भी इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। जॉब की लोकेशन की बात रहे तो इंडिया के साथ साथ वेरियस फॉरेन कंट्रीज में भी आपको सर्व करने का मौका मिलेगा। तो आप अगर मतलब आपको है कि आपको पूरा दुनिया घूमना है, तो आप इस जॉब को करके अलग अलग फॉरेन कंट्रीज में घूम सकते हो, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। मेल और फीमेल के लिए मैंने पहले ही बता दिया कि फीमेल्स अप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए भर्ती रहेगी। अब चर्चा करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट बात के ऊपर कि सारी चीज़ें तो हम जान चुके हैं, बट इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 स्टेज सिलेक्शन रहेगा। एट फर्स्ट स्टेज आपको ऑनलाइन CBT, यानी ऑनलाइन जो कंप्यूटर वाली परीक्षा होगी उसको पास करना है। फिर आपको बुलाया जाएगा सेकेंड राउंड के लिए, जो कि एक पर्सनल आपका काउंसलिंग होता है, और उसी समय आपका डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई कर लिया जाता है। उसके बाद सिंपल सा बेसिक आपका मेडिकल कराया जाता है, फिर आपकी ज्वाइनिंग लेटर आपको हैंड ओवर कर दी जाएगी। तो आई नो कि आपको ज्वाइनिंग लेटर लेने की जल्दी है, बट उससे पहले ये जान लीजिए कि जब आपका एग्जाम होगा तो उसमें आपसे क्या क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स ये देखिए, एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए, पर क्वेश्चन 1 मार्क मिलता है, और टाइम जो होता है ना 2 आवर्स, यानी 2 घंटे का रहेगा। यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी है, सो बी अवेयर, सोच समझ के ध्यान लगा के आंसर को टिक करिएगा, क्योंकि अगर गलत टिक करते हो तो जो आपने सही टिक किया है ना उसमें से एक क्वेश्चन के लिए 0.25 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। अब बता दूं कि किन किन सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चन रहने वाला है। देख लीजिए, जनरल अवेयरनेस से पूछा जाएगा, साइंस से पूछा जाएगा, इंग्लिश से, एंड लास्टली एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, मतलब मैथ और रीजनिंग को कंबाइन करके आपसे पूछा जाएगा। तो टोटल यही आपका 5 सब्जेक्ट रहने वाला है। अब बात करते हैं एग्जाम के लेवल की।
तो जो बच्चे 10th लेवल का फॉर्म भरेंगे उनसे 10th लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है और वो 12th लेवल का है तो उसका एग्जाम लेवल भी 12th का रहेगा। अब लैंग्वेज क्या होगा पेपर का, तो बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेज आप वहां पे चेंज करके आंसर कर सकते हो। इंग्लिश बस इंग्लिश में रहेगा, उसको आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते हो। अब रही बात कि आपका एग्जाम का सेंटर कहाँ रहेगा, तो फ्रेंड्स देखिए ऑल ओवर इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे जो ऑनलाइन एग्जाम सेंटर है उसमें आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। एग्जाम सेंटर का भी डिटेल ना आपको इसका पीडीएफ में मिल जाएगा, और पीडीएफ तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड है, तो वहाँ पे आप जाके देख लेंगे। सो आई होप कि इस पोस्ट के रिगार्डिंग सारी डिटेल क्लियर हो गई होगी। बहुत सारे कैंडिडेट इसके लिए कमेंट कर रहे थे, डीएम्स आ रहे थे इंस्टाग्राम पे कि प्लीज आप मर्चेंट नेवी के बारे में बताइए, तो बस उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो एक लाइक बनता है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आप ऑल पे सेट करके जाना ताकि सारी न्यू जॉब की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलूंगी फिर से किसी जॉब के अपडेट के साथ, टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।